औरंगाबाद में पुलिस ने 2 अगस्त को हुई हत्या का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, वहीं 2 की तलाश अभी जारी है। फरुखाबाद कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस ने दूध विक्रेता प्रमोद कुमार पाल हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने करू को पुलिस लाइन में मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि करू ने अपने गाँव के दिनेश उर्फ करू पुत्र राम सिंह व रामकिशोर पुत्र जगन्नाथ के सहयोग से 2 अगस्त की सुबह कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम गाजीपुर निवासी 45 वर्षीय दूध विक्रेता प्रमोद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। करू ने पुलिस को बताया कि हम लोग पशुओं की चोरी करते हैं, अलाफपुर गांव में पशुओं की रेखी करने के बाद रात में भैंस खोलने गए थे, तभी छत पर सो रहे ग्रामीण जाग गए। भय के कारण हम लोग पड़ोस के ही मक्का के खेत में छिप गए। करीब 1 घंटे बाद हम लोग पैदल अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में शौच जाने वाला दूधिया मिल गया। दूधिया ने हम लोगों को टोक दिया और एक साथी को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, तभी गांव वाले हम लोगों की ओर भागे। तब हम लोग दूध विक्रेता को गोली मारकर अपने साथी को छुड़ाकर वहां से भाग गए थे। जाते समय दूध विक्रेता का मोबाइल फोन भी ले गए। एसपी ने बताया इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए एएसपी व सीओ के नेतृत्व में कोतवाली मोहम्मदाबाद के इंस्पेक्टर तथा एसओजी टीम को लगाया गया था। इसी हत्याकांड में वांछित 2 और हत्यारों की तलाश भी पुलिस कर रही है। हर्ष वर्मा, फरुखाबाद, समाचार 24। 2 अगस्त को ग्राम गाजीपुर थाना क्षेत्र मोहम्मदाबाद में प्रमोद नाम के एक 45 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हो कर दी गई। उसका शव खेतों में मिला था और ये एक अज्ञात बदमाशों ने ये घटना की थी जिसकी जानकारी नहीं हो पाई। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके इसमें प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदाबाद और एसओजी और सर्विलांस की टीम ने इसका काम प्रारंभ किया। प्रभारी एसओजी ने अपने सूचना तंत्र को भी सक्रिय किया और जानकारी मिली कि पास के गांव के ही कुछ बदमाशों ने इस घटना को कायम किया है। इस पर काम करते हुए एक मोबाइल भी मौके से गायब हुआ था, क्योंकि मृतक जो था उसका मोबाइल घटनास्थल पर मिला नहीं था जो कि उसके साथ था। तो इसके बाद सर्विलांस टीम ने इस क्लू के सहारे काम शुरू किया और फिर ये पता चला कि वो मोबाइल किसी एक बदमाश के पास जो पास के गांव का ही रहने वाला है चल रहा है। सूचनाओं का संकलन करके फिर इसके बाद उस बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम नरेंद्र उर्फ करू, ये गढ़िया गणेशपुर थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र का ही रहने वाला है। ये इसे गिरफ्तार किया गया। इसके पास से वह मृतक का मोबाइल भी बरामद हुआ और एक तमंचा और कारतूस मिला जिससे कि उसने हत्या की थी। इसके 2 अन्य साथी थे, दिनेश और रामकिशोर, ये दोनों भी उसी गांव के रहने वाले थे। वो दोनों अभी फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। पूछताछ में इसने जानकारी दी कि ये भैंस चोरी किया करते थे, पशु चोरी का अपराध किया करते थे। इन दोनों पर काफ़ी बड़ी संख्या में पुराने आपराधिक इतिहास उनका है। इसमें दिनेश पर कुल 10 मुकदमे और नरेंद्र उर्फ करू जो पकड़ा गया बदमाश है, इस पर 7 मुकदमे पहले से हैं। उस दिन की घटना में इन लोगों ने दिन में रेकी करके एक भैंस की चोरी की योजना बनाई थी। रात में जब वहाँ गए तो छत पर लोग जाग गए और जागने के बाद लोगों ने पूछताछ शुरू की तो वहाँ से ये भाग कर आए और एक मक्के के खेत में छिपे रहे। बाद में जब वहाँ से निकल कर ये बाहर भागने लगे तो गांव वालों ने शोर किया। उस समय शौच के लिए गया हुआ वह युवक रास्ते में था, उसने घेरने का प्रयास किया, जिस पर भागते हुए इन्होंने उसके साथ गुत्थम गुत्था हुआ। फिर इन्होंने गोली चलाई और उस गोली से मौके पर मृतक उस प्रमोद की मृत्यु हो गई। ये समस्त घटनाक्रम उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में स्पष्ट हुआ है। इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तार